I have this meter scale, so we can find the mass of this meter scale without using balance. Using principle of moment, we can find the mass of the meter scale. तो इसके लिए मैं इसको पहले इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ढूंढ लेता हूँ. आई सर्च द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मैं इसको इस पर बैलेंस करता हूँ. तो ये जहाँ भी बैलेंस हो जाएगी वही इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है. ये देखो इस पर बैलेंस है, ऑलमोस्ट दिस इज बैलेंस्ड एट दिस. ओके, तो ये 50 है. तो 50 पे यानी कि इसका जो एंटायर वेट है इस मीटर स्केल का वो कहाँ पे है, 50 सेंटर पे है. देखो यहाँ पे सेंटर पे है. तो अब हम इसको बैलेंस करेंगे दूसरे ढंग से कि इसको यहाँ पे मैं कहीं भी इसको इसके ऊपर आई पुट सम वेट ऑन इट. तो मेरे पास ये वेट है तो ऑलमोस्ट 50 ग्राम है इसका. ये आई विल पुट द वेट हियर. मान लिया मैंने इसको यहाँ पे 90 पे रख देता हूँ. मैं आई प्लेस इट एट 90. ठीक है, तो इसको डबल कर देता हूँ और भी. ओके, तो दिस इज 100 ग्राम इज प्लेस्ड हियर. तो अब ये जो बैलेंस है वो दैट इज टू बी सर्च. किस पॉइंट पे ये बैलेंस होगा ये हमने ढूंढना पड़ेगा. इसका वी हैव टू सर्च इट हियर. ये देखो ऑलमोस्ट अ बैलेंस है. ये देखो ये दिस इज ऑसिलेटिंग लाइक दिस. इसका वेट था 50 पे, वो यहाँ पे एक एंटी क्लॉक वाइज टॉर्क दे रहा है एंड दिस वेट इज गिविंग एन एंटी क्लॉक वाइज टॉर्क. इसको थोड़ा सा एक स्टेप और इधर करना पड़ेगा. नाउ वी कैन नोट डाउन द रीडिंग्स. ओके, हमारा जो ये मेन इसका जो प्रिंसिपल है दैट इज प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, मोमेंट ऑफ फोर्स. तो मोमेंट ऑफ फोर्स क्या है, अब यहाँ पे ये बैलेंस है इस पॉइंट के ऊपर एंड दिस इज द मीटर स्केल. यहाँ पे इधर लेंथ ज़्यादा है. ये मार्क जो है हमारा कितने पे है, ये दिस इज नो इस साइड से, ये साइड नोट करनी है हमें. 68.7. दिस इज 68.7 एड किया था. वी कैन रीचेक इट. ये देखो 90 पे पुट किया था हमने ये. तो दिस इज प्लेस्ड एट 90. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये 90 पे वेट है. तो इसका जो वेट है mg दैट विल गिविंग इट ए एंटी क्लॉक वाइज टॉर्क. अब इसका जो वेट है वो कहाँ पे था, 50 के ऊपर, वो स्मॉल mg दैट इज गिविंग ए क्लॉक वाइज टॉर्क. और बैलेंस कर दो इसमें इसके अबाउट. तो दिस डिस्टेंस विल बी सपोज x एंड दिस डिस्टेंस सपोज y. सो दिस x इंटू mg विल बी इक्वल टू g कैंसिल आउट. दिस y वी कैन फाइंड आउट दिस y. दिस इज 90 माइनस दिस इज 68.7. कैपिटल M वी विल कैलकुलेट इट. दिस x दिस विल बी 68.7 माइनस 50 into m. This is mass of the meter rod and this we know, we can measure this weight. Okay, 0 0. I put both the weights here. This is coming 98.40. so you can note this difference. This will be 69 and 21.3 into this is your 18.7 into small m. So this will be equal to 213 divided by 187 into 98.4. calculation, this is coming out to be 112.08 gram. okay, now we will verify whether it is 112.08 or not. Again we will enter at the center this 50. This is 114.7. It means very close to that. That is the correction. Actual weight of this is 114.7 gram. So we can find the percentage error in our experiment. What is the percentage? Very 2 gram out of 114. So this is very small percentage of error. So in this way we can calculate the mass of the meter scale using principle of moments. Okay.